अलैकुम। तो कल मैं बेंगलुरु से निकले और केरला आकूँ, फिलहाल पालाकाड़ में मामा के घर के। तो मालूम ना, हमारे खाला ओमान से आए थे ना, तो उनको 2 बजे होना था। तो वो बेंगलुरु में जमजम बेकरी है, तो वहाँ से ले लगा हमें, हमारे को इन्फॉर्मेशन ना, तो वह चले लगा को उनको देने के वास्ते केरला आकूँ। केरला में अब देखो काम भी तो मैं फिर आया नहीं, आज कहाँ कल आया था, का बिजी होगा था। तो क्या अब जैसा फिर आया नहीं कर नहीं, मैं खाली कोचिन में गया, एयरपोर्ट में छोड़ को वहाँ से एक चराई बीच करवा था, तो वो बीच की ज़रा देख ले को घर को वापस आबाई से मैं आया तक 1-3 बजे हुआ। तो एक वीडियो बनेंगे घर को सोच रहा हूँ। तो आज का वीडियो क्या है बोला तो, होंडा अमेज एक कार के बारे में ऐसा। तो ये रही उसकी चाबी, होंडा अमेज कार की। तो वन ऑफ द बेस्ट कार्स इन द बजट। तो अगर प्राइस की अगर इसकी बात करें तो इसका प्राइस अराउंड 12 लाख तक मिलता था तुमने। इसका बैक बम्पर भी सब सही है। तो कार ज़बरदस्त है, इसका इंटीरियर देख लो, खाली इंटीरियर तो पोवर आ लेदर। तो इंटीरियर भी ज़बरदस्त थी, स्विचेस देख लियो, ये जाको मिरर लेफ्ट राइट एडजस्ट करने का, मिरर के वास्ते ओपनिंग क्लोजिंग का, ये लॉक अनलॉक बाद में मिरर ओपनिंग क्लोजिंग पूरा ऑटोमेटिक है इसमें। उसके बाद देखा तो यहाँ पेट्रोल का देखो है, पेट्रोल का है, डिक्की डिक्की का है, और सीट सीट एडजस्टमेंट भी है। सीट तो मैं पीछे भी कर सकती हूँ देखो, और ये ऊपर नीचे सीट को ऊपर नीचे भी कर सकती हूँ तो मैं, तो वो भी है। बूट स्पेस कहता है, मैं दिखा तो नखोल को देखो, बूट स्पेस बहुत ज़्यादा है। आराम से कहते तो इतना ट्रिप जाने का तो 5-6 बैग रख ले को, 5 जने के सुकून से चले गए जा, अच्छी खासी स्पेस है। तो इतना बूट स्पेस रखो भी सामने वाले जो बैठने का रहा था कंफर्टेबल बैठ सकती हूँ। तो ये बैक सीट का डोर, इसको ओपनिंग देख लिया, ये मस्त है। इसके सीट आंसू देख लिया, सीट कंफर्टेबल है, बैठ को देखेंगे वो। लेग स्पेस देख लियो, कितना लेग स्पेस है, आराम से 4 जने एडजस्ट कर ले, बढ़ गया जा, टेंशन इस नहीं। यहाँ तक तुम्हारा हेड का स्पेस होता ना, तो 1663 तक आदमी आराम से सुकून से कंफर्टेबल बैठ सकता, क्या भी टेंशन नहीं। रहा तुम्हारा लाइट का वेंट, लाइट के वास्ते अच्छा खासा उजाला है इसमें, और पीछे ये पावर आउटलेट देखो है, USB चार्ज करने के वास्ते। ये तो मालूम ना हैंड ब्रेक गियर 5 गियर से, और सामने देखो पावर आउटलेट चार्जिंग पॉइंट USB। इसमें AC फुल सिस्टम AC है, और टच स्क्रीन भी फुल सिस्टम है, सो ज़बरदस्त काम करता है। जो भी AC के वेंट्स देख लो, यहाँ यहाँ एक दो है, ये नॉर्मल जो रहता होंगे सभी। हेडरेस्ट तो सुकून सेट है, अलग सोना तो क्या भी प्रॉब्लम नहीं, फुल कंफर्टेबल है। तो ये जो है 1.2 लीटर की इंजन, इसकी इंजन है सो वो 1200 CC इंजन इसका, पिकअप भी अच्छा खासा है, स्पीड में मस्त सुकून से मक्खन के सर का जाती है। यहाँ तक माइलेज की बात करती हूँ, माइलेज इसका एक्सपेक्टेड अगर तुम्हें आराम से चलाए, जैसे कि नॉर्मल हमारे अब्बा यहाँ कैसा चलाती हैं, डैड्स कैसा चलाती हैं, अगर वैसा चलाने का रहा तो आराम से तुम्हारा 20 तक माइलेज दे डालती है। बट अगर मेरी ड्राइविंग, अगर तुम मेरे वीडियोस देखो ही और मेरी ड्राइविंग देखो ही, तो विथ AC तुम अराउंड 14 देते हैं माइलेज मेरी ड्राइविंग को। बट मैं भी अगर नॉर्मल AC में चलाया तो आराम से 17-18 माइलेज दे दे। तो आज ही 300 किलोमीटर का ट्रिप कर लगा सो, तो हमारे खाले छोड़ना था ना, तो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जाको आको, वहाँ से बीच सब गए थे ना, तो टोटल हमने पड़ा था अराउंड 300 किलोमीटर्स। तो 300 किलोमीटर्स को हमने पेट्रोल का खर्चा अराउंड 2000 के ऊपर करीब आया। अब ज़रा धूल है लेकिन वॉश करा तो नहीं ये दिखते हैं, ले को ऑलमोस्ट कहते 7-8 मंथ्स, कितने कितने महीने अमीन हो को कर क्या पुरानी नवे नवी कर रही है, 6 to 7 मंथ्स हो गए। सो फर्स्ट टाइम वाला डाल को ही कह तो कलर स्टिकर, वो HSRP का नंबर प्लेट बदलाने का जो नया अपडेट आया गवर्नमेंट से मालूम ना तुम अभी, तो वो इनका ऑलरेडी है, लेकिन तुम्हें लोगों का डालना तो वेबसाइट है HSRP, वहाँ जाना, नंबर प्लेट बदलाना का तो 1500 होता, और कलर स्टिकर डालना मैंडेटरी, नहीं का तो फाइन शुरू हो जाती कर्नाटका में। जितने मेरी गाड़ी है उसको भी डालना, तो बहुत सारे काम आई हैं, अब खर्चे बहुत ज़्यादा आने के ही,
देखेंगे, तब तक वीडियोस को देखते रहो। और अब मैं इसका इंजन ऑन करता हूँ, डिस्प्ले दिखाता हूँ, इंजन का साउंड दिखाता हूँ, सब देख लो कैसे ऑन करो। तो हमारा मेन भी किले तक ऑन कर रही, अब एक बार एक नया फुटेज लेते मैं ऑन ऑफ कर। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा खासा है, तो जब भी हमें हमको चढ़ते ना तो उतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। अब नए जो यूट्यूब भी अच्छा खासा चलता है, यहाँ स्मूथ वही फिर ज़रा स्लो चल रहा। तो ये है मेरा यूट्यूब चैनल सोलो एडवेंचर, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। एक वीडियो प्लेकर को देंगे हमारा कैसा था, इस पर क्वालिटी कैसी है। संडे बाइक एक्सपीडिशन, चलो यूज डालेंगे। तो इसका बॉनेट को ओपन करके ओपन कर देखो, तो ये मालूम ना होंडा आई वी टेक वन ऑफ द बेस्ट इंजन है। होंडा की ये जो इंजन जो है बहुत रिलायबल, एफिशिएंट, परफॉर्मेंस में सभी, इसका पिकअप सभी बहुत भारी, मुझे होंडा के कारण उसे पसंद आता था। एक तो आई वी टेक इंजन ना, इंशाल्लाह फ्यूचर में V8 काटेंगे। V8 तो ज़रा बंद होने के चांसेस दिख नहीं, बट स्टिल पुराने तो रिंग काट लेंगे। कार का वाला लॉगिंग कर लगता ना, अंदर टीवी में फुल सीरियस सिचुएशन चल रहा है घर में, तो सुकून की कार है। पांच जने बैठ जाना, खाना बन लेना, सीधा ओटी वायनाड ने तो मुन्नार का तब निकल जाना, बताल बात टेंशन ही नहीं। तो इतने सारा सीट बेल्ट जब तक तुम्हें डालते नहीं, कार जब ऑन करती हैं तो यहाँ दो जने बैठे ना, तो ये दो सीट बेल्ट हम भी फिक्स होकर होना, जब तक तुम्हें फिक्स नहीं कर रहा इसकी बम बढ़िया टा 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 करो चलते रहते। तो तुम्हें कार का डैशबोर्ड तो देख लेना कैसा है, तो ये भी एडजस्टमेंट कर सकती है। एडजस्टमेंट करना बोले तो तुमने यहाँ है देखो कहा, ये प्लग ही नहीं, ये वाला इसे सब ऊपर कर दूंगा, ऊपर कर डाले तो तुमने ये हैंडल कैसा होना एडजस्ट कर सकती तुम्हें, यूं भी यूँ तो यूं भी यूँ, स्टीयरिंग कैसा भी एडजस्ट कर सकती है। वही नीचे रखा कई का तो हाथा मदर चलो हाथ लॉन्ग ड्राइव पे जाती ना, तो क्या फिक्स होगा, अब आराम से चला सकती। तो जैसे मैं इसका मिरर का बोल था, ये बटन का ये बटन दबाए तो ऑन ऑफ कर दो, ऑफ अब वो ऑन कर दो, ये बात। तो एडजस्ट करना बोला तो ये है ना, ये लेफ्ट है राइट में, लेफ्ट का तो लेफ्ट को भराना, राइट का तो राइट को भराना, इसमें एडजस्ट कर लूँगा अब यहाँ तक भाई, फिर राइट में भरा देख रहा। तो तुमने कितना ऐसा ऊपर होना कि नीचे होना कि लेफ्ट होना कि राइट होना कि वही सबसे कर लिया। ये नहीं है सद्या को बोल रहा उसमें समझा रहा हूँ, मालूम ही सद्या को तुम बोलने की ज़रूरत नहीं। देखो यहाँ पर फ्यूल लेवल कितना है, 4 पॉइंट ही तो थे अराउंड कहते एक 12 पॉइंट थे, तो 12 में थे अब 4 हो को इन सौ, हमें 301 किलोमीटर की ट्रिप कर को इंस। तो ऐसा खिस्सा तो ये लेफ्ट में तो इंडिकेटर मालूम ना, इंजन ऑयल बैटरी ये सब तो ना मालूम रहेंगे ना ऑलरेडी। 180 टॉप स्पीड बोल रहा बट भगा को नहीं, अभी 6 महीने से लेको इंसो, तो मैं तो 100 भगा को होता है, उससे ज़्यादा क्या भगाया नहीं। एक तो हमारे मामा की कार, खुद की कार रही तो फुल तटो ले जा, दूसरे की कार बोलते जरा आराम से सुकून से चलाना। तो इसका क्लच भी बड़ा सुकून का है, अब देखो क्लच को पकड़ लिया भाई तो खाली अच्छ बहुत सुकून, एक अंगली से तुम्हें कर ले जा हुआ ही हुआ। हाँ अच्छा हुआ, अब याद आया एक पॉइंट, रिवर्स गियर का ना ये बोलना बोल गया, रिवर्स गियर का देख ली नहीं तो तुमने कौन भी एक एक्स्ट्रा आदमी की जरूरत नहीं बोल को देने के वास्ते। मिरर रही मिरर में देख लो, पीछे का देखना है इसमें देख लो, रेयर मिरर है रेयर मिरर में देख लेना, टेंशन ही नहीं। तो व्लॉगिंग का मैं Insta360 कैमरा यूजुअली यूज़ करता हूँ, अब फिलहाल के वास्ते OnePlus का 11R है तो ये चूज़ कर रहा हूँ। अगर तुमने इसका भी रिव्यू होना हो तो कमेंट में बोलो,
कुछ तो कार का होना तो बोलो, कार का क्या भी परेशानी नहीं, कार लेगा तो मैं ही रिव्यू बना दूँ गाड़ियों का, दो का भी। तो मैं कार एंथुसियास्ट भी, बाइक एंथुसियास्ट भी, मोटरसाइकिल। तो मेरे पास फिलहाल के टी एम RC 390 है, तो वो मैं इसके राइड चलाते रहता हूँ। तो ये तुम्हें वीडियो अपने अपलोड कर दूँगा, तो कमेंट करो ये गाड़ी का भी क्या तो भी रिव्यू की होना क्या कर को। ग्लैमर हीरो, हीरो की ग्लैमर अच्छा खासा माइलेज देते, अच्छा खासा भागते भी। 125 CC इंजन क्या की मालूम नहीं, ओ कम तो लिखो नहीं करती, कम भी लिखो नहीं ना ये। हाँ 125 मेरे ख्याल से सीसी इसका, 125 या 125 इसका, तो 125 CC इंजन इसका। तो अगर इसका रिव्यू होना तो बोलो, मैं बनाता हूँ।